हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताऊंगी। इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। तीरा हमें 13 तैयार करना है। ये देखिए, ऊपर से शोल्डर का जो पोर्शन होता है उसको तीरा बोलते हैं, और बाजू हमने 4 इंच करनी है, और नेक हम 6.5 इंच का करेंगे, 6.5 इंच का करेंगे, और चेस्ट 17 की, कमर 15 की, और इस कमीज की जो कंप्लीट लेंथ है, लंबाई है, वो 38 इंच हम तैयार करेंगे, और हिप के एरिया से हम इसको 19 इंच का तैयार करना है, और पल्ले जो घेर होता है वो 20 इंच का। इस तरह का मेजरमेंट हमारी कुर्ती का है, और अलग से हम यहाँ पे 2-2 इंच मार्जिन भी जोड़ना है कपड़े का कट करते टाइम, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, और फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले तीरे का निशान लगाते हैं, यानी कि ऊपर से जो शोल्डर का एरिया होता है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। 13 हमने यहाँ पे तैयार करना है, तो हम 6.5 इंच का हम इस पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, और आर्म होल हम 7.5 इंच की करेंगे। अगर मीडियम साइज है तो 8 इंच का, अगर कोई हेल्दी लेडी है तो 9 इंच का हमें करना चाहिए। यहाँ पे हम 7.5 इंच का आर्म होल लेंगे, और 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगाते हुए राउंड राउंड हम इसको निशान लगाएंगे, और फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी चेस्ट का निशान है। यहाँ पे हम 17 इंच करना है, तो 7.5-8 पर निशान लगा कर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। कमर 15 करनी है, तो 7.5 इंच पर निशान लगा कर 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। यह मार्जिन लेना होता है 2 इंच स्टिचिंग के अंदर दबाने के लिए, और यहाँ से फिटिंग की जो लेंथ होती है 14 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और उसके बाद 19 की हिप हमें तैयार करनी है, तो हम 9, 18, 9.5, 19 उस पर निशान लगाकर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर इस तरीके से निशान लगाकर कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद दोनों पोर्शन हम अलग कर लेंगे, और फ्रंट वाला हिस्सा जो होता है उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ कटिंग करनी होती है। यह कटिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि इसी से हमारी कमीज़ की फिटिंग होती है। फ्रंट वाला हिस्सा हमेशा ही आर्म होल की साइड से इतना इतना कट करना चाहिए, और यह हमारा बैक साइड वाला पार्ट है, और इस पर हम नेक का जो कटिंग का एरिया होता है ऊपर की साइड से, वो अब हम कट करेंगे। ये देखिए, ऊपर से 2.5 इंच का निशान लगाते हुए और नीचे से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे। नेक आपको जितना भी डीप करना है उतना निशान लगाइए, और राउंड शेप देते हुए इस तरीके से कट कर लीजिए। ये हमारा बैक साइड वाला नेक का जो पार्ट है वो हमने कट किया है, और ये हमारी बाजू की कटिंग करेंगे हम। आगे से हम तैयार 5 करेंगे। इस बाजू की आगे से फिटिंग 5 है, तो हम 6 इंच का लेंगे और निशान लगा लेंगे, और बैक साइड से 7.5 हमने आर्म होल ली थी, तो हम इसको 8.5 इंच कट करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई में दबाने के लिए, और इस तरीके से अंदर की तरफ राउंड शेप करके हम कट कर देंगे। और दोनों जो ये बाजू के कपड़े हैं इसको सेंटर से अलग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी दोनों बाजू निकल कर तैयार हो जाएगी। जिसको भी बाजू की जो ये कटिंग होती है फ्रंट वाली, उसको कटिंग करने में दिक्कत होती है, उसके लिए यह जो टिप है जो आपको बता रही हूँ वह बहुत ही इजी है। दोनों बाजुओं को सीधा करके आगे की तरफ रखिए, कटिंग आगे वाले हिस्से की होती है, और इस तरीके से दोनों को रखने के बाद जिस तरीके से हम कुर्ती को वेयर करते हैं उस तरीके से बाजू को रखना है, और आगे से दोनों को कट कर देना है। इस तरीके से दोनों बाजुओं की कटिंग आसानी से हो जाएगी। उसके बाद हम बैक साइड वाला नेक तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने राउंड शेप में नेक की जो कटिंग की थी
उससे हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा राउंड शेप में कट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को रख लिया है। सीधा कपड़ा दोनों का अंदर की तरफ होगा और उल्टा बाहर की तरफ, और इक्वली हम रखते हुए एक जो पैर है उसकी हम सिलाई राउंड शेप में करेंगे। और कंप्लीट सिलाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा अंदर बचे हुए कपड़े को कट कर देंगे, और उसके बाद हम बाहर वाला कपड़ा जो बचता है उसको भी 1 इंच का रखते हुए उसको कट करेंगे, और फिर उस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा जो बैक वाला नेक है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जिनको भी बैक साइड वाला नेक फोल्ड करने में दिक्कत होती है, यानी कि ऊंचा नीचा या फिर स्ट्रेच पड़ जाते हैं, तो उनके लिए आसान सी ये टिप है। आप सुई धागे के साथ इस तरीके से हाथ से इक्वल करते हुए कपड़े को फोल्ड करेंगे तो बहुत ही इजीली कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, और आपकी जो कपड़े की क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो अगर आपको फोल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो आप सुई धागे से इस तरीके से करिए। यह बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान टिप्स है। उसके बाद हम कुर्ती का फ्रंट वाला जो हिस्सा है, नेक है, उसको हम रेडी करेंगे। ये देखिए हमने राउंड शेप का पेस्टिंग नेक हमने ले लिया है, और उससे हम हाफ हाफ इंच का कपड़ा छोड़ते हुए देखिए इस तरीके से कट कर लेना है। नेक जो रेडीमेड नेक है उससे कपड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसको इस तरीके से हमने दबा देना है, सिलाई कर देनी है। जहाँ से राउंड शेप होता है वहाँ से हमने हल्की सी प्लीट डालकर फिर दबाना है, इससे बिल्कुल क्लियर तरीके से कपड़ा दब जाएगा। और इसको कंप्लीट करके इसको हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे और फिर स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम दोनों हिस्सों को सेंटर से मोटी चाल करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, ताकि सिलाई करते हुए यह नेक यहाँ वहाँ ना सरके और इक्वली हम इसको स्टिच कर सकें। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सेंटर में फिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम इसके चारों तरफ राउंड शेप में स्टिचिंग करेंगे।
तरीके से स्टिचिंग करने के बाद इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और अंदर की तरफ इसको भी फोल्ड कर देंगे। उसके बाद फ्रंट वाले हिस्से को और बैक साइड वाले हिस्से को जोड़ना है। हमने सीधा सीधा अंदर की तरफ रखना है और उल्टा हिस्सा हम बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से हम दोनों शोल्डर को स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद हम जो हमारा फिटिंग वाला निशान हमने लगाया था स्टिचिंग वाला, उसको स्टिच करेंगे। इतना कंप्लीट होने के बाद हम हमारी कुर्ती की स्लीव तैयार करेंगे। जो भी हमने 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उसको नीचे से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और मोटी चाल करते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और जितना भी आपका साइज है साइज के अकॉर्डिंग सेंटर वाली स्टिचिंग भी करेंगे। स्टिचिंग को स्टार्टिंग से 2 या 3 बार रखिए ताकि यह जो स्टिचिंग है वो निकले ना और यह अच्छे से फिक्स हो जाए। इस तरीके से हम हमारी दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। स्लीव्स को अटैच करने का तरीका ये होता है, कुर्ती को हमने उल्टा रखना होता है और स्लीव्स को हम सीधा रखते हैं।
जो भी हमने सीधी कटिंग की हुई होती है, यानी कि फ्रंट की साइड हम फिटिंग की जो कटिंग करते हैं वो हमने दोनों की आगे की तरफ रखनी है, बाजू की भी और कुर्ती की भी, और उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर वाली दोनों की स्टिचिंग लाइन को मिलाएंगे। और उसके बाद हम हाफ पैर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए उसको स्टिच कर देंगे। राउंड राउंड शेप में हमने दोनों को इक्वली करते हुए घुमाते जाना है और स्टिचिंग करते जाना है। देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स बहुत ही आसानी से अच्छे से परफेक्टली फिक्स हो गई है। इसी तरीके से आपको भी अगर आप कभी भी कुर्ती सिलें, स्टिचिंग करें, इसी तरीके से आप फिक्स कीजिए, बड़ी आसानी से आपकी स्लीव्स अटैच हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने दूसरी भी अटैच कर लेनी है। और इस तरीके से हमारी कुर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।